देखिए 30 करके है गार्डन मैनेजर को। अफगानिस्तान बांग्लादेश नेपाल देखिए यहाँ 30 है, 20 बस गार्डन का है, 30 है आपका गार्डन एंड म्यूजियम का भी। एंड जो नेपाल वगैरह से है 7 कंट्रीज के लिए 100 है। ऐसा ही फील मुझे नेपाल में हुआ था जब मैं नेपाल में इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम में 250 रुपये एक्स्ट्रा देके गया था। 7 कंट्रीज का हूँ इसीलिए। अभी यहाँ से एंटर करते हैं। और हाँ एक, अरे यार कितना लंबा लाइन लग गया। वो एक भाई थे ना जिसको मैंने टिकट दिया, उन्होंने बोला कि मुझे गुवाहाटी जाना है, 4 बजे ट्रेन है, तो आप टिकट ले सकते हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया। म्यूजियम इस तरफ से है, ठीक है, ये म्यूजियम साइड से ये एंट्री हम लोग कर रहे हैं। एंड दूसरा गेट उस तरफ से है। ये देखिए यहाँ का टिकट, ये विक्टोरिया। जैसे तैसे लाइन साइड से घुस गए और एंट्री कर लिए। एंड यहाँ देखिए क्या लिखा है, वियरिंग ए प्रॉपर मास्क इज कंपलसरी फॉर ऑल विजिटर्स, ठीक है। और यहाँ देखिए कितना जन ने मास्क पहना है, बस कुछ लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना है। एंड ये विक्टोरिया मेमोरियल, और जो आपका ये देख रहे हैं ना, ये पत्थर वगैरह बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। ड्रोन प्रोहिबिटेड, यहाँ ड्रोन नहीं यूज़ कर सकते। और अभी हम लोग चलते हैं ये के तरफ, म्यूजियम की तरफ। पीछे विक्टोरिया, हाँ उस तरफ का गेट से घुसते ना तब भी हमको म्यूजियम के लिए पीछे ही आना पड़ता। ये देखिए यहाँ से 42 दिखता है। और ये जगह है, अगर आपको मेट्रो स्टेशन से आना है तो मैदान या रविंद्र सदन कहीं उतरिए, तब विक्टोरिया मेमोरियल सामने पड़ता है। ये पूरा पार्क है, पूरा बीच में पानी वगैरह सब है। ये क्या लिखा है, कुछ भी है। ये देखिए 42 बिल्डिंग, ये विक्टोरिया मेमोरियल, ये इसके सामने है। पूरा लाइन, म्यूजियम के लिए देखिए पूरा लाइन इतना दूर से। इधर पीछे का गेट था एंड इधर सामने का गेट है। और म्यूजियम का एंट्री भी यही सामने का गेट की तरफ से है, आगे है सामने का गेट। कुछ दिन पहले तो इसका रिनोवेशन चल रहा था, इसीलिए पूरा वो जैसे बैम्बू लगाते हैं ना वैसा पोल्स वगैरह लगा के पूरा इसको क्लीन किया, पेंट का काम चल रहा था। सामने से आते ना तो ये वाले रास्ते से आते। ये देखिए सामने कॉर्नर से भी, ये देखिए अभी इस पे इंडिया का झंडा है। कभी यहाँ ब्रिटिश एम्पायर का झंडा लगा रहता था। जैसे आएंगे ना तो वहाँ पे क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू बना हुआ है। एंड ये देखिए Thank you.
देखिए विक्टोरिया मेमोरियल बनते टाइम कैसे करके बना था, उस टाइम भी एडवांस इंजीनियरिंग था। देखिए कोलकाता, कोलकाता एकदम खाली है। देखिए हम सोचते हैं अभी भी, अभी एडवांस इंजीनियरिंग है, उस टाइम भी पूरा क्रेन वगैरह लगा के पूरा बना है। टाइम में मीडिया का कैमरा कैसा होता था, सुभाष चंद्र बोस का इधर से। क्यों सिविल सर्विस उन्होंने छोड़ा, वो ब्रिटिश रूल के अंदर रह के इंडिया का सेवा नहीं कर पाते, इसीलिए उन्होंने सिविल सर्विस को छोड़ दिया। ये देखिए कितना पुराना पुराना मेनुस्क्रिप्ट है, मेनुस्क्रिप्ट नहीं है छापा हुआ। लेटर वगैरह का पूरा कॉपी है। ये ब्रिटिश एम्पायर का बिल्डिंग, ये पीछे से निकलने का गेट, उधर से एंट्री होता है। ये देखिए ब्रिटिश एम्पायर का, ये तो चारों तरफ अभी प्रोजेक्टर लगा है, ऐसा नहीं लगा था मैं कुछ साल पहले आया था यहाँ पे। ये देखिए आपने देखा ना कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है इसका, ये डोम है इसका। ये मैं म्यूजियम में इससे पहले आया था ना मैं, तब से चेंज हुआ है थोड़ा। ये सब आईना वगैरह सब पहले नहीं था। उधर से एंट्री गेट था, यहाँ एक और म्यूजियम, ये एग्जिट गेट, तो पीछे वाला गेट। ये ऊपर इससे पहले मैं नहीं गया, ऊपर चल के देखते हैं क्या है। पूरा महल तो देख लें विक्टोरिया का।
अरे है कुछ नहीं रे बाबा, बस ऐसे कल पर जा रहा हूं। मुझे पता है, मुझे ऊपर जाना है। बाहर का सब दिख रहे हैं, अंदर में सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, उधर से घुस कर निकल रहे हैं, उधर भारत गैलरी क्वीन विक्टोरिया हाउस। आजादी का हिस्ट्री के बारे में पूरा लिखा है। राइटर्स बिल्डिंग जो अभी भी है कोलकाता में। ये देखिए पुराना इंडिया का फ्लैग, वो RRR मूवी में भी दिखाया है। ये भगत सिंह के टाइम वाला है लगता है। गेट से घुसना है, निकलना है, इसलिए थोड़ा भीड़ हो रहा है, निकलता है। लग चलते हैं नीचे, नीचे उतरने का सीढ़ी एकदम खाली। तो देखिए विक्टोरिया व्यू होटल, कैंटीन, वॉशरूम इधर है। तो अभी विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम से निकल गए, एंड ये रहा था 42। विक्टोरिया मेमोरियल को देना है। ये देखिए, वैसे फिल्म कैमरा अलाउ नहीं है, एंड गोप्रो फिल्म कैमरा में ही आता है। उसके टाइम तो बहुत नखड़ा किया पुलिस वालों ने, पर अभी बाहर कर रहे हैं, बाहर कोई दिक्कत नहीं है। ड्रोन उड़ाना इधर मना है। इधर से होते हुए अब सामने तरफ जाते हैं, फिर पीछे से ही निकलेंगे, क्योंकि
मतलब ये वाला गेट सही है, 2 नंबर गेट, क्योंकि बाइक उधर ही है ना। ये देखिए इधर से तो एकदम, मुझे लगता है यही मेन गेट था क्या ब्रिटिश टाइम में। उधर कैथेड्रल है, इधर शायद कुछ शो वगैरह होता है, एंड यही है सामने का। लाइट शो वगैरह होता है अब यहाँ पे, तो इसीलिए ये सेटअप लगा हुआ है। इतने बड़े प्रोजेक्टर तो और किसी दूसरे काम के लिए नहीं लगते हैं। मज़ा आता है, सब GoPro के ऐसे देखते हैं ना। अब यूट्यूबर अब सबको चैनल नहीं बताते चलता, पूछते हैं तो बता देता हूँ, नहीं तो अरे सब्सक्राइबर अभी कम ही है समझिए। ये देखिए फ्रंट व्यू विक्टोरिया मेमोरियल का। यहाँ से एंट्री एंड पीछे से गेट का, सामने का गेट उधर है। ये देखिए पूरा पानी वगैरह का। थोड़ा यहाँ का पार्क वगैरह देख लेते हैं। वो देखिए आगे वो ब्रिज भी दिख रहा है, विद्यासागर सेतु एंड ये विक्टोरिया मेमोरियल। अभी जा रहे हैं क्यों विक्टोरिया का जो स्टैचू है इस तरफ। फ्रंट गेट एकदम आगे, बैगेज काउंटर लिखा है एकदम आगे, और ये क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू एंड ये विक्टोरिया मेमोरियल। वो देखिए आगे शेर वेर बना हुआ है, वो है एंट्री गेट, मतलब सामने का एंट्री गेट। सामने पीछे बोलना सही नहीं होगा, मतलब वो इस तरफ का वो इस तरफ का, एंड ये क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू। शाम हो रहा है अब, लाइट वाइट जला दे रहे हैं। वो देखिए एकदम भीड़ सामने, एकदम गज गज आया हुआ है पूरा। इधर द 42 सामने गेट आपको दिखा देता हूँ, फिर पार्किंग की तरफ जाता हूँ। सामने दो टाइगर नहीं लायन, और उसमें से है एंट्री। ये है यहाँ का गेट, ये एंट्री गेट यहाँ का। इधर टिकट काउंटर भी है, एंड ये विक्टोरिया मेमोरियल। तो देख लिया आपने, एक ये गेट है, एक उधर से गेट है।
देखो पूरा बागान बनाया हुआ है। एंड मतलब आज से करीब शायद मतलब ऐसा एक जीजा है, ठीक है, वो बोलते हैं कि वो जब बचपन में थे ना तो तब इस टाइम यहाँ पर एंट्री फ्री था। इधर से म्यूज़ियम का एंट्री है जैसे कि आप जानते हैं। एंड ये देखिए अभी इंडिया का झंडा मस्त लहरा रहा है इस पर, लेकिन जब ब्रिटिश एम्पायर था इस पर ब्रिटिश एम्पायर का झंडा लहराता था। फूल वगैरह यहाँ देखिए, यहाँ के सबसे अच्छा चीज़ मुझे एक ही लग रहा है, हमारा झंडा लहरा रहा है। कभी यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर का झंडा हुआ करता था। यूट्यूबर्स का भी इज्जत बढ़ रहा है, ठीक है, घबराने से काम नहीं चलेगा। अब फिर से आ गए इस गेट पे, इधर से निकलेंगे एंड बाइक पार्किंग की तरफ जाएंगे। विक्टोरिया मेमोरियल घूम लिए, अब निकलते हैं गेट की तरफ। बैगेज काउंटर है तो वगैरह, एंड इधर विक्टोरिया मेमोरियल एंड ये एग्जिट गेट से निकलेंगे। अभी से बाहर निकल गए, अभी चलते हैं अपने इस तरफ बाइक पार्किंग की तरफ। इधर विक्टोरिया, इधर रविंद्र सदन, यह है नंदन, वेस्ट बंगाल फिल्म सेंटर। और यहाँ पे थिएटर भी है सरकारी रेट से, वही आपका 25-30 रुपये 25-50 रुपये के अंदर में फिल्म सब फिल्म यहाँ लगता है। भीड़ के चलते नहीं पहचानता, नहीं देखते हैं कहाँ चलते हैं। जा रहे हैं यहाँ का फेमस बिरयानी दुकान अस्सलाम की तरफ।